नमो नमः। इस संस्कृत सप्ताह में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक रामायण कथा पर एक संस्कृत में एक छोटा सा निबंध, जो कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, और एक छोटा सा ब्रीफ आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा मैं संस्कृत में रामायण कथा पर, जो हम सभी कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक के स्टूडेंटों को जानना ज़रूरी है, और सभी लोगों को जो भी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अपने बच्चों को एक शॉर्ट में और एक छोटा सा निबंध जो अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो चलिए हम एक रामायण कथा पर एक छोटा सा संस्कृत पर निबंध या उसका एक कथा विवरण हम समझते हैं। रामायण कथा पहला पॉइंट है, अयोध्याम दशरथ नाम राजा आसीत। अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। तस्य त्रिस्तः भार्या आसन, उनकी 3 पत्नियां थीं, तहा क्रमेण कौशल्या केकई सुमित्रा चा। वो हैं कौशल्या और केकई और सुमित्रा। एतासु भार्यासु चत्वारे कुमारा आजानयत। एतासु भार्यासु चत्वारे कुमारा आजानयत। उनसे उनको 4 बच्चे हुए। तेसु प्रथमा राम है कौशल्या पुत्र है। उनका पहला जो पुत्र थे कौशल्या से, उनके पहले पुत्र राम जो कौशल्या से थे। द्वितीय भरत केकय्या पुत्र है, दूसरे भरत जो केकई से थे। तृतीय चतुर्थ पुत्र लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्राया पुत्र। तीसरे और चौथे पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा माता से थे। राम पितु आज्ञा वनम आगच्छत, राम पिता की आज्ञा से बन गए। तेन से लक्ष्मण सीता चा आगच्छताम, उनके साथ लक्ष्मण और सीता जी भी गईं। रावण नाम राक्षस बने सीताम आहरत, रावण नाम के एक राक्षस ने सीता माता का अपहरण किया। साथ ताम लंका नगरे आस्थापत्य, वो उनको लंका नगर यानी कि लंका में उनको रखा उसने। राम कपि राजेन सुग्रीवेण हनुमंता चा संख्या मक्रोत, राम की मित्रता कपिराज मतलब कि जो बानर सेना के जो राज थे सुग्रीव से हुई, और साथ में उनकी जो मित्रता हनुमान से हुई। हनुमान समुद्रम उल्लंघनम लंकायाम सीताम अपश्यत, हनुमान जी ने समुद्र लांग कर लंका में सीता को देखा। बानरा समुद्रे सेतु अवधना, बानरहा समुद्रे सेतुम अवंदनम, मतलब बानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था। रामे लंकाम गत्वा सर्वान राक्षसनम रावणम चा जगान, राम लंका जाकर सभी राक्षस और रावण को मारा। राम ने लंका जाकर सभी राक्षस और रावणों को मारा। तत सा सीते से अयोध्याम प्रापे, और इसके बाद वो अब सीता जी के साथ अयोध्या वापस आए। अयोध्या में राम से पट्टाभिषेक अभवत, अयोध्या में राम भगवान की राज्याभिषेक हुआ और उनको वहाँ का राजा बनाया गया। सो गाइज, इसी के साथ रामायण कथा का एक मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों को समझाना संस्कृत में, एक छोटा सा प्रयास मैंने जो किया है अपनी तरफ से। अगर कभी संस्कृत में निबंध लेखन आता है या कुछ भी आता है अगर रामायण कथा के ऊपर, तो आप इसको ब्रीफ छोटू सा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सभी के साथ शेयर करें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो को अच्छा सपोर्ट दें ताकि मैं इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपके साथ ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।